गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर, योर हिंदी टीचर। बेटा आज हम कक्षा सातवीं हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पढ़ने जा रहे हैं। शब्द भंडार में अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए शब्द, आदि शब्द, आदि सब चीजें आती हैं। तो आज सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अंक, बोर्ड, संख्या, नाटक का एक भाग। नेक्स्ट है अर्थ, धन, मतलब। उत्तर यानी बाद का, उत्तर दिशा और जवाब। जैसे अपन प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक तो उसको बोलते हैं उत्तर, एक हम दिशा को बोलते हैं, और एक बोलते हैं बाद। उत्तर यानी बाद। कनक, कनक एक तो बोलते हैं सोने को, एक बोलते हैं धतूरे को, एक बोलते हैं गेहूं को। गेहूं को किणक किणक बोलते हैं ना, तो कनक होता है एक तो गेहूं, एक सोना और एक धतूरा। सोना और धतूरा के ऊपर एक अपना दोहा है, कनक कनक के सोग निमादक का अधिकार, वाक आए बोराए जग वाक पाए बोराए। तो वहां पर दो बार कनक कनक आता है, तो एक कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। नेक्स्ट देखिए आप, कल, आने वाला कल और बीता हुआ कल। चैन, मधुर ध्वनि। काल, समय, मृत्यु, यमराज, अवसर। कृष्ण, काला, श्री कृष्ण, अंधेरा पक्ष। कहते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो अंधेरा जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। एक कृष्ण का मतलब होता है काला और एक भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची शब्द। ईश्वर, ईश्वर का ईश, प्रभु। ईश्वर को किन वो शब्दों से जाना जाता है? ईश, प्रभु, जगदीश, परमात्मा, परमेश्वर। उपवन, उद्यान, वाटिका। अब देखिए ये उद्यान, आप इसी में उसको उद्यान बोल देते हो। ये अपने वर्ण विच्छेद में, इसमें वर्ण वाले चक्र में पढ़ा था। तो या ने, ये तो इसको अलग अलग करके लिख दिया अपने। अब इसको एक साथ अगर मिला के लिखना हो तो ऊ, अब जो आधा वर्ण होता है वो हमेशा ऊपर चलता है, ये बात मैंने बताई थी। और जो नेक्स्ट वर्ण या है वो उसके पैरों में आएगा, तो ये बन जाएगा उद्यान। नेक्स्ट देखिए वाटिका, फुलवारी, बगीचा। नेक्स्ट है कमल का रायवाची। कंज, राजी, सरोज, सरसीज, नली और अरविंद। नीरज, पंकज। कपड़ा, पट, वस्त्र, अंबर, ची, परिधान। किनारा, तट, तीर, कगा। नेक्स्ट देखिए किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि, कर। नेक्स्ट कोयल, टिक, कोकिल, परभृत। रोड, कोप, रीस, रोष, गुस्सा। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जहामी, श्री पथगा। अब भागीरथी, इसको किस राजा भागीरथ है वो इसको तपस्या करके पृथ्वी पर लेके आए थे, इसलिए उनके नाम से इसका नाम पड़ गया भागीरथ। नेक्स्ट देखिए गाय, धेनु, सुरभि, गौ। घर, गृह, भवन, आलय, निकेत, सदन, गृह। चंद्रमा, चंद्र, इंदु, सुधांशु, निशापति, सुधाकर, राकेश और हिमकर। विलोम शब्द देखिए, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान, पतन, उतार, चढ़ाव, उदय, अस्त, उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, ऊंच, नीच, ऋणी, पूर्ण, कड़वा, मीठा, कपटी, निष्कपट, कुटिल, सरल, गुण, अवगुण, गृहस्थ, सन्यासी, चल, अचल, छाया, धूप, जय, पराजय, जटिल, सरल, जीवन, मरण, थोड़ा, बहुत, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, नवीन, प्राचीन।
निकट दूर निरर्थक सार्थक निरक्षर साक्षर। आप देखते हैं अनेक के लिए एक शब्द, जिसे छूने के लिए मना करा गया हो, अस्पृश्य, आधे वर्ष में होने वाला अर्धवार्षिक, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, बिना थके अथक, जो दिखाई न दे दृश्य, जो अवसर के अनुसार बदल जाता हो अवसरवादी, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो किए हुए उपकार को न मानता हो कृतघ्न, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, समरूपी भिन्नार्थक शब्द देखिए, कपट धोखा कपाट किवाड़, कुपथ्य हानिकारक भोजन, कुपथ बुरा मात, उद्यत तैयार उद्धत उद्दंड, उपयुक्त ठीक या उचित, उपयुक्त ऊपर बताया हुआ, उदर पे उदार विशाल या फिर खुला, उधार कर्ज उद्धार उबारना, कुल खानदान या फिर परिवार, कुल किनारा, दिन दिवस दीन गरीब या फिर दुर्बल, नग पत्थर नाम सा नियत उद्देश्य, नियत निश्चित या फिर तय। इस प्रकार शब्द भंडार आपके कंप्लीट होते हैं। सभी इनको अगले क्लास में लर्निंग करने के लिए तैयार रखिएगा, लर्न करके आइएगा ताकि हम इसका रिवीजन ले सकें। धन्यवाद।